आज हम बनाएंगे आटे के बालूशाही। और इसका आप कलर देख सकते हो, कितना बेहतरीन सा कलर आया है। कलर ऑटोमेटिक आया है और इतना स्वादिष्ट बनने वाला है ना कि आप बाजार के बालूशाही खाना भूल जाओगे। बहुत कम खर्च में बहुत ही शानदार बालूशाही बनने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है आटा जो 500 ग्राम है, और इस कप से मैंने 2.5 कप आटा लिया है, और इसे मैंने बारीक वाले कपड़े में चाल लिया है। तो मैं आपको कपड़ा भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर इसमें ऐड कर देना है 1/4 चम्मच नमक, और 1/4 चम्मच ही इसमें ऐड करना है मीठा सोडा जो खाने वाला होता है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस कपड़े में इस आटे को चाला है। अरे आटा बिल्कुल बारीक मैदे की तरह से तैयार हुआ है। तो यहाँ पर नमक और सोडा मिक्स कर लिया। मैंने ले लिया है 100 ml रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पर आप घी भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी पूरा ऑयल नहीं डालूंगी, ये ऐसा है ना, ये खुद बतलाएगा कि इसे कितना ऑयल चाहिए। तो इसे पहले मैंने हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पर ना ये अभी कैसा तैयार हुआ है, जैसा समोसा हम बनाते हैं ना उस टाइप का ये तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें ऑयल समोसे से ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर सारा ऑयल डाल दिया। अब मैं आपको दिखलाती हूँ, आप कैसे समझोगे। देखिए बिल्कुल भी प्रेस में नहीं करी, सिर्फ हाथों में उठाना है, हल्के हाथों से सिर्फ मुट्ठी बांधे। तो देखिए कैसा बन रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट ऑयल लगा है। यहाँ पर मैंने उतना ही ले लिया है दूध यानी कि 100 ml, और इसमें ऐड कर दिया 2 चम्मच साबुत चीनी और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, और इसे अच्छी तरह से घोल लेना है। दूध बिल्कुल गुनगुना है, और देखिए इसमें चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है। तो अब इसे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पूरा दूध लग जाने वाला है, इसलिए मैंने पूरा ऐड कर दिया। और इसे हम ना सिर्फ मिक्स करेंगे, गूंथना उथना नहीं है, हाथों से बांधेंगे नहीं, सिर्फ इसे मिक्स करेंगे। तो इसे बहुत अच्छी तरह से हमें कर लेना है मिक्स। तो अभी आप देखिए, अभी मेरा एक ऐसा तैयार हुआ है, बहुत ज़्यादा सूखा है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 8 चम्मच पानी। तो 8 चम्मच पानी थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालूंगी, फिर इसे मिक्स करती जाऊंगी। तो यहाँ पर मेरा 8 चम्मच पूरा पानी लग गया था। अब आप मेरे डो को देख सकते हो कि मेरा डो एक कैसा रेडी हुआ है। बिल्कुल भी सॉफ्ट डो नहीं रेडी करना है, बहुत ही टाइट सा डो। और इसे क्या करना है, छोटे छोटे लड्डू की तरह से लेना है, हाथों में बांधना है, और फिर उंगलियों की सहायता से आप ऐसे प्रेस कर कर बालूशाही बना सकते हो। तो आप इसमें चाहो तो पूरा बिल बीच में कर रख सकते हो, नहीं चाहो तो सिर्फ उंगली का निशान लगा कर भी रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे बालूशाही कैसा तैयार किया है। तो इसी तरह से मैं आपको झटपट से एक तरीका बतलाती हूँ क्या करना है। आपको गोल गोल लड्डू की तरह लेना है और उसे प्रेस कर कर पेड़े की तरह सिर्फ तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर तैयार हुआ, और यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है 1/2 चम्मच। इसका निचला हिस्सा गोल है, तो इसी से मैं इसमें छेद कर दूँ। आप चाहो तो ऐसे रख सकते हो, नहीं तो फिर उंगलियों से इसे आप दूसरे साइड अच्छी तरह से छेद कर कर और इससे पूरा बालूशाही का शेप दे सकते हो। और इस तरह से ना मुझे 2 मिनट भी नहीं लगे थे और मेरा पूरा बालूशाही बनकर तैयार हो गया था। देखिए बस, देखिए बहुत ही आसानी से हम इस तरह से इस बालूशाही को बना सकते हैं। आपको मेरा ये ट्रिक अगर अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो मैंने सारे बालूशाही को कर लिया है रेडी। तो इसे आप 10 मिनट तक हम ढक कर रखेंगे रेस्ट पर। जी हाँ, हलवाई यही करते हैं, वो बनाते और तलते नहीं हैं, उसे रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसी कप से ना 1.5 कप चीनी लिया है। मेरा यहाँ पर वीडियो थोड़ा ख़राब आ गया था, मेरे कैमरे में प्रॉब्लम है मोबाइल वाले। और उसी कप से 1/4 कप पानी, 1.5 कप नहीं लेना है, 1/4 कप थोड़ा कम रखना है। तो चाशनी हम रेडी करेंगे। देखिए यहाँ पर चाशनी कैसी रेडी हुई है। चाशनी हल्की हल्की चिपचिपी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। गुलाब जामुन से चाशनी से थोड़ा सा नरम रखना है। तो यहाँ पर देखिए मुझे हल्का हल्का सा चिपचिपाहट महसूस हो रहा है, तो मैंने चाशनी को रख दिया साइड। और यहाँ पर मैंने ले लिया है रिफाइंड ऑयल कढ़ाई में। ऑयल ना मेरा हल्का गर्म हुआ है, बहुत हाई गर्म नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हाई गर्म में आपको बालूशाही को नहीं डालना है, मीडियम गर्म ऑयल रहे तभी आपको इसे डालना है। और इसे पहले एक साइड अच्छी तरह से सिकने देना है। जब एक साइड से सिक जाएगा तो हम इसे दूसरी साइड पलट लेंगे, और पलटने के बाद हम फिर से इसे सेकेंगे, लेकिन लो फ्लेम पर। लो फ्लेम पर हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक सेकेंगे। उसके बाद हम इसे जब निकालने लगेंगे ना तो हाई फ्लेम कर देंगे। लो फ्लेम से अच्छी तरह से सिक जाएगा, और फिर हाई फ्लेम जब हम करेंगे ना तो ये सारा अपना जो घी तेल वेल पिया हुआ होगा ना तो सब छोड़ देगा। तो इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगने वाला तलने में।
तो यहाँ पर देखिए दूसरी साइड मैंने पलट लिया और यहाँ से ये रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो इसका कितना अच्छा बेहतरीन सा कलर आया है। इसका कलर कैसे आया जानते हैं आप? इसमें जो हमने दूध डाला था ना, दूध की वजह से इसमें बहुत अच्छा सा कलर आता है। हमें कोई कलर ऐड नहीं करना पड़ता। बाजार में ना चाशनी में कलर ऐड किया जाता है, और यहाँ पर देखिए हम आटे के ही बालूशाही बना रहे हैं, लेकिन इसमें कोई कलर हमने ऐड नहीं किया है। और ये खाने में इतना बेहतरीन होता है ना कि इसका क्या स्वाद। तो फटाफट से छान कर निकाला और तुरंत ही चाशनी में ऐड कर दिया। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई हो ना, तो इसे तो हल्का सा गर्म कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक बैच ही बिल्कुल अच्छी तरह से फूल गया था जब मैंने दूसरा बैच तलना शुरू किया था, तो फिर भी मैंने साइड कर दिया और इसी में मैंने इसे डाल दिया। मतलब अगर आप चाशनी कम बना रहे हो ना, तो एक बैच को निकाल सकते हो। दूसरे बैच के रेडी होने पर एक बैच को निकाल दो, फिर दूसरा बैच डाल दो। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल फूल कर पहले वाला तैयार हो गया है, लेकिन मैंने इसी में इसे छोड़ दिया है। और देखिए मैंने 15 मिनट के बाद अब इसे फिर से चलाया है, और आप देख सकते हो सारी चाशनी पी चुका है, थोड़ी बहुत चाशनी बची है, और कितने शानदार हमारे बालूशाही बनकर तैयार हुए हैं। इसे मैंने कर दिया है प्लेट में और थोड़े से पिस्ता से कर दिए है गार्निश। तो अब फिर से मैं आपको तोड़ कर दिखलाती हूँ, देखिए कितनी जूसी कितनी बेहतरीन बालूशाही बनकर हुई है तैयार। और यकीन मानिए अगर आप इसे किसी को देते हो ना, तो वो बतला नहीं पाएगा कि इसे आपने घर पर बनाया है, मार्केट से लाए हो, क्या आप आटे से इसे बनाया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।